सुनते हैं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। बारी के पास अब हम थोड़ी देर में सुमित को फिट करेंगे। भाई तीन आज राशन खाए तो पता तो को ला गए मस्त यहाँ नीचे रोड में। तो भाई गांव में सभी इस प्रकार से मस्त एक साथ बैठकर रोटी खाते हैं। तो भाई अब आ चुके हैं फतोड़ मार्केट, यहाँ फतोड़ पहुंचे ही बहुत ही भयंकर वाली बारिश लग चुकी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रास्ते से, जो कि अभी मैं जा रहा हूँ। ताऊ जी ने मेरे पास ये धोती दी है, तो भंडार आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे ये देनी है। तो चलो ब्लॉग में बने रहना, क्योंकि आज हमारे गांव में रोटी भी है, तो काम करेंगे पहले और लास्ट में खाएंगे रोटी। भंडार भी पहुँच चुका हूँ, ये सामने बड़े जी हमारे खड़े हैं। और बाकी पहाड़ों का मौसम आजकल ठंडा ठंडा है, देखो पहाड़ों में मस्त बर्फबारी भी हो रही है सामने के पहाड़ में, और यहाँ हो रही है बारिश। ये वो तो मैंने दे दिया है। और आजकल ना पहाड़ों में काम करना बहुत ही मुश्किल से जूझना पड़ रहा है भाई, क्योंकि ठंडा अलग है और बर्फबारी अलग हो रही है। और जिनको भी घास की ज़रूरत रहती है, मतलब जिनके भी घर में गाय भैंस बछड़ा पाल रखे हैं, तो उनके लिए भाई काफ़ी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है उनको, क्योंकि जंगल जाके उनको घास। हमारा प्यारा सा नेगियाना गांव दिख रहा है, ये पूरा हमारा गांव है। चलते हैं अब सीधे ऊपर ताऊ जी और उनके घर पे, क्योंकि आज वहाँ कटरा है। कटरा से समझ लो आप, जैसे मतलब जब उनकी डेथ हुई थी तो आज उनका 11वां दिन है, तो कल सबनी है वहाँ। मतलब जो भी हमारे टोपी उल्टी पहन रखे हैं वो कल सुलटी होंगी, और आज कट रहा है तो आज वहाँ रोटी है। पहुँच चुके हैं बड़ा औरों के घर पे, यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं, जो भी सब्जी और बना रहे हैं। यहाँ से व्यू देखो भाई सामने का, इनका भोटिया डॉग है, ये हमारे चाचा जी बन रही है अन्य सामग्री, सब्जी वगैरह वगैरह। हाय तो करा हाय हाय। हाय कौर बुड्ढी के लिए। तो भाई ये काम चोर अब आ रहे हैं सुबह से, एक ये और ये के, और से कर तो अभी भी नहीं आया। अभी हम अब आटा गूंदेंगे, मस्त पानी भर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई इतना आटा गूंदेंगे हम, ये सुमित लुत्ती गूंदेगा, और भैया आटा गूंदने वाला ये रहा यहाँ पे। तो भाई लगा दिया काम पे, तो काम कर रहे हैं। चलो अब पीयूष भी कर रहा है आज काम। भाई ठंडे में हाथ अभी आ गए ठंडे में। दादी को बाजो सुमित, आ जाओ पार दियो। भाई बहुत ही ठंडा है, बहुत धोरो की बात करो निकालो। होएगी ये वीडियो बात कर दिया सुनते हैं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। बारी के पास अब हम थोड़ी देर में सुमित को फिट करेंगे। सॉरी सॉरी यार, क्या बात है सुनने वाली को दिखाएगा बहुत लंबी चौक। तो भाई हमने आटा तो गूंद दिया पीयूष और मैंने, ना हमने कुछ नहीं किया है, ये खाली बैठे थे मैंने गूंदा। और अभी यहाँ पे आज हमारा भात यही है, तो उससे भी भात खाने बैठे हैं। भाई अभी आ चुका हूँ, खाना तो हमने खा लिया। नीचे आ चुका हूँ भी संदीप जी के घर पे, क्योंकि यहाँ से मेरे बाइक की चाबी लूँगा और मुझे ही जाना है किसी काम से फतेड़ू, तो फतेड़ू जाएंगे अभी। बाकी यहाँ देखो पूरा ठंडा ठंडा हो रखा है मौसम यहाँ भी। और गांव से ठीक सबसे टॉप में है, वहाँ है कटुड़ा। तो भाई अभी आ चुके हैं हम ऊपर, चाबी तो मिल गई। इस चाबी को देख के ना अलग ही फील आता है भाई, है ना इस तेरा टकरे देख के। तो भाई अब आ चुके हैं फतोड़ मार्केट, यहाँ फतोड़ पहुँचे ही बहुत ही भयंकर वाली बारिश लग चुकी है। ओ भाई अब यहाँ से थोड़ी देर में बारिश गिरने वाली है। तो दोस्तों हम फतेड़ से आ गए थे सीधे नीचे धानियों, क्योंकि भाई वहाँ बर्फ़ पड़ने वाली है, और मेरी गाड़ी ना ठंडी हो जाती है, मतलब उसमें बैटरी नहीं है ना, इसलिए को ला गए मस्त यहाँ नीचे रोड में, और चल धोर मस्त करके। तो भाई अभी रोड से ऊपर आ चुके हैं, और देख सकते हो कोहरा लगा हुआ है भाई। फतोड़ ना मैंने इसलिए नहीं रखी भाई, क्योंकि आज वहाँ बर्फ़ पड़ सकती है, और मेरी गाड़ी पे बैटरी भी पुरानी है इसलिए, तो जब मैं नई बैटरी डालूँगा फिर तब तो कोई टेंशन नहीं है, पर अभी फिलहाल
भाई गाड़ी ठंडी हो जाएगी तो स्टार्ट करना मुश्किल है फिर इसी कारण से। और ये देखो भाई, ये हमारे गांव की नीचे वाली रोड है, रोड की वजह से कितने पेड़ काटने पड़े यहाँ देख सकते हो आप। उस समय तो हम पूरे बारिश में भीग के आए और अभी देखो मस्त मौसम हो चुका है। यहाँ देखो क्या मस्त मौसम हो चुका है अभी भाई, क्या साफ होने बैठ गया। और हम बारिश में भीग के आए और ये हम ऊपर हो रहे हैं, रोटी पकड़ रही है तो हम भी चलेंगे अभी यहीं, तो चलते हैं। तो भाई यहाँ पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे बन रही है रोटी, ग्रुप बनाए एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे रोटी बन रही है। हाय दोस्तों, हाय दोस्तों, हाय गाइस, बोल यहाँ पे बड़े बड़े आदमियों का ग्रुप है, मस्त बैठे हैं आग पे। और व्यू देखो भाई यहाँ का, कोहरा लगा है ऊपर की ओर पूरा खाली है और नीचे कोहरा ही कोहरा। अंदर है मेरी माँ, ओ भाई, हेलो गाइस, हेलो गाइस। अभी सारे सारे हैं भाई रोटी खाने वाले, केन बोले तो मोला। तो भाई गांव में सभी इस प्रकार से मस्त एक साथ बैठकर रोटी खाते हैं क्योंकि आज यहाँ रोटी थी। अब दिखाता हूँ मैं आपको मीन मीन अजूबे, एक तेंगे तेंगे वाला भाई तीन आज राशन खाए थे पता तो भाई कसम से। तो आधी जनता ने रोटी खा चुकी है, यहाँ पे एक जगह पे डाल दिया है। हाय गाइस, ये हमारी नन्नु है। हाँ भाई नन्नु, नन्नु रोट तू खाने अली अली नन्नू या आती दियो। हाय तो कौर भाई, एक टीम तो चली गई रोटी खा के घर और एक टीम अभी और आ चुकी है रोटी खाने यहाँ पे। माँ कसम इनके घर पर वो सजा रखे हैं। तो भाई इनके सारे सबके घर पर वो सजा रखे हैं, मतलब कि इनके घर भी रोटी जा रखी है तब भी खाने आ रखे हैं। ये गलत बात है आलोक भाई, ये हमारा आलोक भाई है पर ये बोल रहे खाने में शर्मा नहीं चाहिए ना आलोक भाई, पर तू शर्म नहीं होने सच माँ ओले की। भयंकर है ना यू, खाना चाहिए ना यार दब के खाना चाहिए, पर इतना भी नहीं खाना चाहिए। परोसे भी घर जा रहे, तू चार रोटी खा रहे हैं अपना, चार ना सोच छह रोटी ना खाका बुला वीडियो में देखे आलो भाई। तू 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 मैं सबको जुम्मन, तू पांच रोटी खा, तू छह रोटी खा, तू सात रोटी खा, आज दस रोटी तुम्हारे घर के लिए दे रखी है। ऐसे आलोक की देखो यहाँ पे रोटी छुपा रखी है, देखो माँ का सब रोटी छुपा रखी है। तो भाई अभी अपने घर में आ चुका हूँ मैं, क्योंकि रोटी तो मैंने सबको दे दी थी। और आजकल तुम्हारे भाई की हालत कुछ ज्यादा ही बेकार हो रही है, क्योंकि भाई काफी दिनों से बुखार भी आ रहा है और क्या बोले था बाल के कारण भी हो रहा है, दिखाने का मन भी नहीं कर रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो करता हूँ एंड आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय बाय।